वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए रोज सुबह 4 बजे का ये करेंट अफेयर लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों शाम को 6 बजे का भी वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, वो वीडियो आपके बीपीएससी को लेकर ही इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हर दिन आपको 50 एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं उन सभी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आप हम बात करेंगे 66 बीपीएससी की, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे करेंट अफेयर का, जो कि हर दिन सुबह के 4 बजे आपको डेली बेसिस करेंट अफेयर भी दिए जा रहे हैं। लेकिन आज का ये करेंट अफेयर वीकली बेस्ड है, यानी कि पिछले सप्ताह में क्या क्या अपडेट हुए हैं हर सेक्टर से आपके लिए लेकर आए हैं करीब आज 21 प्रश्न। इस 21 प्रश्नों का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये एज अ एमसीक्यूज आप यहाँ पे इसको अटेंड करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनार का, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। चलिए दोस्तों आज के पहले सवाल से चलते हैं, लेकिन ये पहला सवाल बहुत ही दुखद है। Which actor passed away at the 34 due to the suicide attempt in Mumbai? सभी को पता होगा, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। टीवी सीरियल से अपनी शुरुआत करने वाले, जी हाँ देख सकते हैं इनको तस्वीरों में टीवी सीरियल से शुरुआत करते हुए। पवित्र रिश्ता, किस देश है, किस देश में है मीरा मेरा दिल, ऐसे शुरुआत किया इन्होंने अपने करियर का इन सभी टीवी सीरियल से। इनका जो जन्म है वो पटना में हुआ था 21 जनवरी को, इनकी मृत्यु मुंबई में हुई बांद्रा में। तो ये एक एक्टर थे, बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा चुके थे, अच्छी फिल्में मिलने लगी थी और एक अच्छी शुरुआत हुई थी। बहुत ही कम एज में ये एक अच्छी ऊंचाई पे जा चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक दुखद समाचार हुआ कि इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। कारण अभी किसी को पता नहीं, लेकिन अभी सारी चीज़ें यहाँ पे यही बताई जा रही है कि ये डिप्रेशन में थे, इसलिए इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में हमेशा उतार और चढ़ाव आते रहेंगे। अपने जीवन को सुदृढ़ बनाइए, सक्षम रहिएगा और जितना है उतने में खुश रहने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको ज़्यादा पाने की भी लालच हो, लेकिन डिप्रेस होकर नहीं, उसको एक टारगेट बनाइए। जी हाँ, उसको टारगेट बनाइए कि मुझे ये अचीव करना है। नहीं मिलता है तो सतत प्रयास कीजिए। अगर आप यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज सोचिए आपका पहला अटेम्प्ट है, ठीक है, इस साल 66 बीपीएससी के लिए पहला अटेम्प्ट है। अगर आपका नहीं होता है तो क्या आप जाकर सुसाइड कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपके पास हो सकता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ऐसी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आपका एज चला जाएगा, ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका एज का भी, तो क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे संघर्ष, एक एक दिन को पत्थर को, आंख को पत्थर बनाकर पढ़ाई कीजिए। जी हाँ, सोने से ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दीजिए। जितना सोते हैं उससे ज़्यादा अगर आप इस अपने काम पे ध्यान देंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप सक्सेस मिल ही जाएगा आपको। तो कुछ इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने जीवन, अपने करियर की शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की, इन्होंने सब कुछ पा लिया। इनके पास खोने को कुछ नहीं था, पाने को तो अभी बहुत कुछ था, लेकिन अपने जीवन में जो एक सुपरस्टार को चाहिए होता है वो सब कुछ इनको इन छोटे से उम्र 34 साल की उम्र में मिल चुका था, लेकिन ये सबका साथ छोड़ गए और अपने पीछे अपने माता पिता और अपने उन सभी लाखों फैंस को छोड़ गए जो कि उनके लिए आज पागल हुए हैं। अगर आप मुंबई का एक दृश्य देखेंगे उनके फ्लैट के सामने, जहाँ से इनकी डेड बॉडी लेकर जाई जा रही थी, उस जगह को अगर आप देखेंगे तो शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। लेकिन ये फैसला उनका शायद गलत होगा, उनके भी रहे होंगे कुछ तकलीफें, वो मुझे नहीं पता ना आपको पता है, इसलिए थोड़ा सा 3 सेकेंड का एक मौन रखते हैं उनके लिए, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। कोविड-19 प्रभावित रोगियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम, देखिए ये
किसने शुरू किया है जिसका नाम है कोविड बीप। चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। लास्ट जितने भी अभी वीक गुजरे हैं है ना, आपका दूसरा सप्ताह खत्म हो चुका है, आज 15 जून है, तो आज आपका ये जो मॉक टेस्ट है ये थोड़ा सा टेस्ट लाइक है, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा, कोविड 19 से प्रभावित रोगियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है कोविड बीप, जिसका नाम है जी हाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नोट कर सकते हैं आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, नोट कर सकते हैं आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। कोविड 19 के बारे में देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड 19, ठीक है। CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज, ये ध्यान रखिएगा। और 19 इसलिए क्योंकि नवंबर 19 में सबसे पहला केस पाया गया चाइना में। दोस्तों अगर चाइना से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इसका कैपिटल पता होना चाहिए। जी हाँ, चाइना का कैपिटल सिटी कहाँ है? बिल्कुल, जिनका उत्तर बीजिंग आ रहा है ये उत्तर कीजिएगा। और जी जिनपिंग नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ के क्या है तो प्रेसिडेंट है दोस्तों, जी जिनपिंग, जी हाँ प्रेसिडेंट है। यहाँ की करेंसी क्या होती है तो रेनिन भी याद रखेंगे दोस्तों, रेनिन भी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टैटिक जीके का भी पार्ट है आज इसमें, इस वीडियो में, इसलिए ध्यान से आंसर करते रहिएगा आप लोग सभी मेरे भाई बंधु जो भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ ए बीरो ब्रदर्स। जी हाँ, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? आंसर करेंगे इट्स ए बीरो ब्रदर्स। देखिए जोस बीरो ब्रदर्स है ना, जोस बीरो ब्रदर्स है ना, नाम याद रखिएगा। ये एक्चुअली अमेरिका से बिलोंग करते हैं और अब यहाँ पे इसका आविष्कार किया, जिसको अमेरिका में इसको बॉल पॉइंट के नाम से जाना गया इस पेन को, ठीक है। इन्होंने ये नाम दिया था दोस्तों बीरो, इसका नाम दिया था इस बॉल पॉइंट पेन का जो आविष्कार किए थे इसका नाम दिया था बीरो, लेकिन अमेरिका में इसको बॉल पॉइंट के नाम से जाना गया। दोस्तों अगर अमेरिका से क्वेश्चन रिलेट करता है जी हाँ, तो अभी भी देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पेन है ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में ये कलम बीरो के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है, बीरो पेन के नाम से जाना जाता है, जबकि अमेरिका में इसको बॉल पॉइंट के नाम से जाना जाता है अब, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, देखिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो थोड़ा सा रिलेट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, वाशिंगटन DC है यहाँ की कैपिटल सिटी और डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। वर्ल्ड एक्सक्रीडिशन डे वॉज ऑब्जर्व इन विच डे? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, 9th of June, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 9th of June इज द राइट आंसर। जी हाँ, वर्ल्ड यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9th of June को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। द वर्ल्ड आर्की कमिटी डिसाइडेड द पोस्टपोन द 2020 वर्ल्ड आर्की फील्ड चैंपियनशिप टू विच ईयर? विश्व तीर अंदाजी समिति 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को किस वर्ष स्थगित करने का निर्णय लिया गया है? स्थगित करने का निर्णय लिया गया था, स्थगित करके यहाँ पे इसका मतलब फिर से लेने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको बता देना चाहेंगे कि विश्व तीर अंदाजी जो है ये चैंपियनशिप 2022 तक होगा, जी हाँ, और ये तक के लिए टल चुकी है 2022 तक के लिए, शायद 2022 तक के लिए आंसर सही है, ठीक है। और कोविड 19 महामारी के चलते ये किया गया है तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2022 का यह टाल दिया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन इस साल सितंबर में ही होना था अमेरिका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब ये टाल दिया जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5। किस दशक में पहला सॉलिड स्टेट इंटीग्रेटेड सर्किट प्रदर्शित किया गया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, ये भी आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए 1950s, नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ 1950s इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच इंस्टीट्यूट डेवलप अनन्या वाटर बेस्ड डिस इन्फेक्टेड स्प्रे विद द नैनो टेक्नोलॉजी एसेसेड बाय द फॉर्मुलेशन?
किस संस्थान ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेड फॉर्मुलेशन के साथ अनन्या पानी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है? बिल्कुल आंसर देखिए देखिए, नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में अगर अभी कभी आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कि ये एक व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र से जी हाँ शुरुआत किया गया, एक स्केल मापक है, ठीक है, 10^9 मीटर, ठीक है, 1 नैनो बराबर होता है, ठीक है। और इसका अध्ययन करने वाली जो जितनी भी तकनीकें हैं इससे संबंधित हैं वो विज्ञान के समूह से आती हैं, लेकिन इसका उपयोग करके अनन्या पानी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे बनाया गया है दोस्तों। जी हाँ, अभी हाल ही में आप लोग बहुत सारा न्यूज़ देख रहे होंगे, ये कितना भी गंदा पानी क्यों ना हो अगर आपके इस जार में, जी हाँ, उसमें ये 1 चम्मच पाउडर, जी हाँ 1 चम्मच पाउडर अगर ये डालते हैं तो ये जो पानी है ये पीने युक्त पानी बना दिया जाता है इस पाउडर के जरिए। तो आंसर करेंगे इसका, जी हाँ, इट्स अ सी, द डिफेंस, जी हाँ नोट कर सकते हैं दोस्तों, द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आंसर क्या होगा? इट्स अ सी, जी हाँ, डिफेंस, इट्स अ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, जो कि भारत में रक्षा संबंधी प्रौद्योगिक शिक्षा के लिए जाना जाता है, और यह संस्था जो है ये प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के अधीन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 7। 9 जून को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण 29 में से किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया है? तो देखिए ये भी एक दुखद समाचार है यहाँ पे, ठीक है, आंसर कीजिएगा दोस्तों, चिरंजीवी सरजा, नोट कर सकते हैं, ये बॉली तो साउथ की फिल्मों के ये सुपरस्टार हैं चिरंजीवी सरजा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 9 जून को। दोस्तों अगर क्वेश्चन जुड़ा हुआ है यहाँ पे कर्नाटका से, देखिएगा, जी हाँ कर्नाटका से, तो कर्नाटका की राजधानी होती है दोस्तों बेंगलुरु, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जी हाँ बेंगलुरु होता है। और यहाँ के सीएम कौन है? यह कर्नाटका के सीएम कौन है जल्दी से बताएंगे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ याद रखिएगा, येदुरप्पा, जी हाँ BS येदुरप्पा, याद रखिएगा नाम इनका, BS येदुरप्पा याद रखेंगे नाम, ठीक है दोस्तों। कर्नाटका के गवर्नर कौन है ये भी याद रखिए, बिल्कुल वाजू भाई वाला। तो ये स्ट्रेटजी के सारे जो हैं आपको ध्यान रखने होंगे जो कि करंट से रिलेटेड होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट जे डनलप इन्वेंटेड, यानी कि जे डनलप जो किसका आविष्कार किया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, जे डनलप ने आविष्कार किया था वायवीय रबर टायर का, आंसर ये हो जाएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ ए इज द राइट आंसर, ये भी एक स्टैटिक जीके का पार्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फास्ट पेट्रोल वीजल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड डिलीवर बाय द वारशिप बिल्डर गार्डन द रिच शिप बिल्डर एंड द इंजीनियर लिमिटेड 9th of June? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, देखिए बता देना चाहते हैं ये, चूंकि जो क्वेश्चन है वो कोलकाता से रिलेटेड है यहाँ पे, जी हाँ, और ये सबसे फास्ट पेट्रोल वीजल सीरीज का एक इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर है इसका दोस्तों इट्स अ बी, जी हाँ ICGS कनक लता बरुआ, नोट कर सकते हैं इट्स अ, जी हाँ क्या नाम है इसका, कनक लता बरुआ इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में एक जानकारी जरूर रखिएगा यहाँ पे, यहाँ के सीएम कौन है? तो ये हैं दोस्तों ममता बेनर्जी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? जी हाँ चलिए बताइए जल्दी से, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है और कैपिटल? तो देखिए गवर्नर है दोस्तों यहाँ पे जगदीप, जी हाँ जगदीप धनखड़, नोट कर सकते हैं जगदीप धनखड़, और ये हैं कैपिटल यहाँ का है दोस्तों, नोट कर सकते हैं कोलकाता। तो कोलकाता में ही ICGS कन्ना कलता बरुआ को, जी हाँ क्या किया गया दोस्तों यहाँ पे 9 जून को इस वारशिप बिल्डर्स को रीच किया गया है दोस्तों, ठीक है याद रखेंगे 9th of June को। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कौन से राज्य सरकार 1912 में कतांबी लक्ष्मीकांत महापात्रा
द्वारा लिखी गई कविता बंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने का प्रस्ताव मंजूरी दे दिया था सन 1912 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा मंत्रालय ने, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बंदे उत्कल जननी, ये इसके रचयिता भी रविन्द्रनाथ ठाकुर ही थे, टैगोर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या किया गया था, तो राष्ट्रीय गान घोषित किया गया, लेकिन उसको हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गान नहीं किया गया, लेकिन उड़ीसा राज्य के लिए इसको राज्य गान का दर्जा दिया गया सन 1912 में, ठीक है। इसकी मंजूरी भी दे दी जा चुकी है इस बार फिर से, 7 जून का ये अपडेट है दोस्तों, ये आप नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन यहाँ से इसलिए बताया। तो चलिए उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जी हाँ, उड़ीसा के कैपिटल होती है दोस्तों भुवनेश्वर। जी हाँ, भुवनेश्वर याद रखेंगे, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। यहाँ के सीएम कौन है, तो याद रखिएगा नवीन पटनायक। जी हाँ, नवीन पटनायक इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ के गवर्नर कौन है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, उड़ीसा के गवर्नर कौन है, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं दोस्तों यहाँ के, जो कि संवैधानिक अधिकारों का यहाँ पे प्रमुख होता है एक राज्यपाल, ठीक है। तो गणेशी लाल इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं, गणेशी लाल, गणेशी लाल, जी हाँ, गणेशी लाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। जी हाँ, आज ही के दिन, नोट कर सकते हैं, वैसे तो आज के दिन ही 9 जून के दिन ये अपडेट है, आज ही के दिन ये खोज हुई थी जिसमें कि अंधेरे में उजाला कर दिया था। जी हाँ, हम रेडियम की बात कर रहे हैं, रेडियम वह धातु है जो कि अंधेरे में भी चमकती है। आज ही के दिन सन 1898 में, ये याद रखेंगे, सन 1898 में, जी हाँ, पोलैंड के रसायन शास्त्री थे, उनका नाम था दोस्तों, जी हाँ, मैरी क्यूरी। क्या नाम था उनका, मैरी क्यूरी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी दोस्तों। अच्छा, क्वेश्चन आंसर हो गया यहाँ पे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ऑन द 8 जून मैसिव फायर ब्रोक एट द नेचुरल गैस ऑयल विल बी भगजन ऑयल फील्ड विच इंडियन स्टेट। 8 जून को भारत के किस राज्य में बागान के तेल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के लिए कुएं भारी आग लग गई थी। तो आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए, असम में। जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों, असम की राजधानी कहाँ है दोस्तों, दिसपुर सर। चलिए ये नोट कर सकते हैं, इसके सीएम कौन है असम के, याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा सोनोवाल दोस्तों। यहाँ के गवर्नर कौन है, असम के गवर्नर कौन है, आप भी आंसर करेंगे जल्दी से यहाँ पे। जी हाँ, असम के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइएगा, बनवारी लाल पुरोहित, जो कि तमिलनाडु के हैं, ठीक है। असम के कौन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपका वेट हो रहा है यहाँ पे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा, ये कम से कम 3 चीजें तो आपको ध्यान में रखनी होंगी। असम के गवर्नर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, असम के राज्यपाल के तौर पे, जी हाँ, अब पुरोहित ने अपना जगह ले लिया है। जी हाँ, बनवारी लाल पुरोहित इज द राइट आंसर, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, जो कि 30 सितंबर 2017 को यहाँ से इस्तीफा दिए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बनवारी लाल पुरोहित जो है अभी कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के, तमिलनाडु के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो असम के अभी गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइएगा, असम के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैं आज ही आपको ये सारी चीजें पढ़ाया हूँ, असम के गवर्नर कौन है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, आपका इंतजार हो रहा है यहाँ पे, जल्दी से आंसर करेंगे, गवर्नर ऑफ असम।
जल्दी से आंसर करेंगे, गवर्नर ऑफ असम कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से, इस जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी ये नाम एक्चुअली आप लोग को ध्यान में लाना चाह रहा था मैं, क्योंकि ये बहुत बार बता चुका हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े राज्यों के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के 2019-20 के लिए द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे आप जल्दी से। देखिए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये कौन तैयार करता है? जी हाँ, नोट कर सकते हैं, जी हाँ फूड सेफ्टी इंडेक्स ये तैयार कौन करता है तो ध्यान रखेंगे। जी हाँ, इस बार तैयार किया गया है बड़े राज्यों के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये तैयार किया था इंडेक्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमॉन्ग द लार्जर स्टेट इज ए गुजरात। जी हाँ, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों बताइएगा? या विजय रूपानी, नोट कर सकते हैं दोस्तों, विजय रूपानी इज द राइट आंसर। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है? तो विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है जल्दी से बताइए? जी हाँ, ये है आचार्य आचार्य देवव्रत। ठीक है, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा। और गुजरात की राजधानी होती है दोस्तों, यानी कि कैपिटल सिटी होती है, जी हाँ, गांधीनगर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से। तो बड़े राज्यों की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के 2019-20 के लिए द्वितीय राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है गुजरात ने। क्वेश्चन नंबर 14, बर्ब तार का पेटेंट कब कराया गया था? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स जी हाँ ए 1874 में, जी हाँ आज ही के दिन 15 जून। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, S&P ग्लोबल रेटिंग प्रिडिक्टेड दैट द इंडियन इकोनॉमिक विल श्रिंक हाउ मच परसेंट इन FY21 एंड द फिजिकल स्टिमुलस वर्थ 1.2% ऑफ GDP विल नॉट बी इनफ प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट ग्रोथ सपोर्ट। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत कम हो जाएगी और GDP 1.2% मूल्य के राजकोषीय प्रोत्साहन से महत्वपूर्ण विकास का सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहेगी। बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स बी 5% का इन्होंने अनुमान लगाया था, S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। ठीक है, नोट कर सकते हैं चलिए जी हाँ। और ये कोरोना वायरस के चलते जो पेंडेमिक हुआ है हमारे देश में, इसके चलते ये जो इसका आंकड़ा था वो नीचे गिर के आ चुका है 1.2% पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, किस राज्य ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल और मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? शहरी स्थानीय निकायों को 300 करोड़ रुपये का हस्तांतरित भी किए हैं। मुख्यमंत्री शहरी पाथ, जी हाँ नोट कर सकते हैं, स्थानीय निकाय ये लॉन्च किया गया है दोस्तों, इट्स ए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, नोट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पिछले दिनों में बता चुका हूँ, 300 करोड़ रुपए का अर्बन लोकल बॉडीज पे सिग्नेचर भी हुआ यहाँ पे, जी हाँ, जो कि उन सभी क्षेत्रों को विकसित करेगा। ये 300 करोड़ रुपये बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। मध्य प्रदेश के CM हैं अभी फिलहाल दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, ठीक है नोट कर सकते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है तो जी हाँ जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है जल्दी से आंसर करेंगे, मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? लालजी टंडन, नोट कर सकते हैं दोस्तों, इट्स अ लालजी टंडन, नोट कर सकते हैं। यहाँ का कैपिटल सिटी कौन है जल्दी बताइएगा? जी हाँ दोस्तों, भोपाल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैल्टिक सिस्मोलॉजिस्ट हु इन्वेंटेड द स्केल यूज द मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? कैल्टिक एक सिस्मोलॉजिस्ट का नाम क्या है
जिसने कि भूकंप के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने का आविष्कार किया है? बिल्कुल आंसर करेंगे यहां पे इट्स अ डी, जी हाँ, जोशुआ रंबल। नोट कर सकते हैं आंसर यहां पे, जी हाँ, ये कैलटेक सिस्मोलॉजिस्ट द्वारा इन्वेंट किया गया है दोस्तों, जी हाँ, कैलटेक सिस्मोलॉजिस्ट। आंसर क्या करेंगे यहां पे, जी हाँ, आंसर हो जाएगा जोशुआ रंबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 9 जून को कितने देशों को कोविड 19 मुक्त घोषित किया गया है? तो कितने देश कोविड 19 फ्री हो चुके हैं? तो आंसर करिएगा दोस्तों, देखिए बीबीसी न्यूज के अनुसार अगर यहां बताया गया है, जो कि यहां पे आपको बता दें कि टोटल 9 ऐसे देश हैं जिसमें कि इन देशों को कोविड 19 फ्री घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहां से अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि यहां की जो वैक्सीन है वो बनी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे अब एक भी केस नहीं पाए गए हैं इन 2 सप्ताह में, जून में, ठीक है। तो सबसे पहला देश बना था दोस्तों न्यूजीलैंड, याद रखिएगा न्यूजीलैंड, जो कि अपने आप को यहां पे, जी हाँ, कोविड 19 फ्री घोषित कर चुका था, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। किस राज्य ने मौसम, वर्षा, बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए मेघ संदेश ऐप वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया है? याद रखिएगा वरुण मित्र, जी हाँ, ये इसको लॉन्च किया गया दोस्तों कि जितने भी आकस्मिक यहाँ पे अलर्ट हो आपके बादल के गर्जन से या फिर वर्षा से, उन सब का इस पोर्टल, इस वेबसाइट पे रियल टाइम का इंफॉर्मेशन आपको पता चल सके। तो ये देश, ये राज्य है दोस्तों, इट्स अ बी कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ, इसकी राजधानी बेंगलुरु होती है, जी हाँ, वीएस येदुरप्पा यहाँ के सीएम है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गैलीलियो ने आविष्कार किया था किसका? देखिए गैलीलियो ने तो आविष्कार बहुत सारी चीजों किया था, लेकिन इन 4 ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। बिल्कुल, थर्मोमीटर का आविष्कार किया था, ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा, यहां पे आप आंसर जरूर कीजिएगा। अमेरिका टेनिस खिलाड़ी है, नाम बताइए उनका, जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेनिस संन्यास घोषणा कर दिया है, जिसने अपने पेशेवर टेनिस करियर के दौरान 5 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन को भी जीता है, उनका नाम है जेमी हैम्पटन। नोट कर सकते हैं, आंसर ई हो जाएगा यहाँ पे, जी हाँ, जेमी हैम्पटन इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, 5 बार अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है, अपने नाम किया है इन्होंने टेनिस में। चलिए दोस्तों, याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ तक जितने भी लोगों ने दिए हैं, और वीडियो कैसा लगा हमें एक लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएंगे, और शाम को 6 बजे मिलते हैं बीपीएससी के मॉक टेस्ट में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।